हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है तो हम इसको क्योंकि काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फिर अगले कुछ वीडियोस में हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे तो अगले कुछ वीडियोस में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अलग अलग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है देखिए परमिटेशन वर्ड कहीं भी यूज होता है परमिटेशन का मीनिंग होता है अरेन्जमेंट मीन्स आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं कोई भी चीजें हैं डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप अगर अरेंज कर रहे हो कुछ को अरेंज करते हो कभी एन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज करते हो तो डिफरेंट कंडीशन आपके पास आती है तो आप कितने तरीके से उन चीजों को अरेंज कर सकते हो दैट इज परमिटेशन उसको हम कहते हैं परमिटेशन उसी तरीके से कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन जैसा वर्ड ही आपके सामने है कॉम्बिनेशन मतलब कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हम आपको जैसे कि आपके पास एक क्रिकेट टीम होती है 15 प्लेयर्स की टीम होती है राइट उसमें से खेलने के लिए जो टॉप uh, 11 होते हैं क्योंकि क्रिकेट जो खेलते हैं जो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं वो केवल 11 प्लेयर्स खेलते हैं तो उन 15 प्लेयर्स में से आपको 11 सेलेक्ट करने हैं तो 11 प्लेयर्स को कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो वो हो गए आपके उतने कॉम्बिनेशन तो परमिटेशन ध्यान रखिए एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमिटेशन यूज होता है किस चीज के लिए परमिटेशन यूज होता है अरेंजमेंट्स के लिए लेकिन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है सिलेक्शन के लिए सलेक्शन और अरेंजमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सिलेक्शन में हम जस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अरेंजमेंट में हमको सेलेक्ट तो करना ही पड़ता है अरेंज भी करना पड़ता है कि ये यहां पे होगा पहले ये आएगा फिर दूसरा ये आएगा फिर तीसरा ये आएगा सिलेक्शन में पहला दूसरा तीसरा ऐसा जो अरेंजमेंट होता है ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें जस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि पंद्रह है पंद्रह में से ग्यारह सेलेक्ट करने तो हमने ग्यारह सेलेक्ट किए पहला कौन सेलेक्ट किया दूसरा कौन सेलेक्ट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तो अगर हम परम्यूटेशन को डिटेल्स में समझें कॉम्बिनेशन को डिटेल्स में समझें तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट फॉर्म लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की दैट इज फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है तो फैक्टोरियल को जनरली अगर कोई एन है मान लेते हैं एन कोई नंबर है राइट एन कोई नेचुरल नंबर है या एन कोई होल नंबर है तो फैक्टोरियल एन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एन एन के आगे मार्क जो होता है दैट इज फैक्टोरियल फैक्टोरियल और ध्यान रखिए एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू मल्टीप्लाई करते जाते हैं करते जाते हैं जब तक थ्री इंटू टू इंटू वन नहीं आ गया राइट right? मान लेते हैं जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जैसे फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव को आप क्या लिखोगे फैक्टोरियल फाइव मींस फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन उसी तरीके से फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल सिक्स को क्या लिखोगे मतलब उस नंबर नंबर को कि जिस भी का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ उसके छोटे नंबर फिर उससे छोटे नंबर फिर उससे छोटे नंबर तो उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ एन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अपू कहां तक थ्री इंटू टू इंटू वन जब तक वन नहीं आ गया तब तक आप छोटे नंबर करते जाओगे माइनस वन करते जाओगे मल्टीप्लाई करते जाओगे उनको तो ये हो गई वैल्यू फैक्टोरियल की यहाँ पे आपको जैसे आपको दिख रहा है फैक्टोरियल सिक्स इक्वल टू तो मैं लिख सकता हूँ सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन उसी तरीके से अगर मुझे फैक्टोरियल सेवन लिखना तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि फैक्टोरियल सिक्स को मैंने क्या लिखा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन राइट यानी कि फैक्टोरियल सिक्स को मैं लिख सकता हूं सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव है ना उसी तरीके से फैक्टोरियल सेवन को मैं क्या लिख सकता हूं सेवन इंटू सिक्स इंटू ये सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल सिक्स लिख सकता हूं तो फैक्टोरियल सेवन को मैं क्या लिख सकता हूँ सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स तो यहां से आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा दैट इज फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन यहां से आप देख सकते हो फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंट एन माइनस टू देखिए इसका मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल एन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन उस नंबर का प्रोडक्ट किसके साथ उसके छोटे नंबर्स के फैक्टोरियल के साथ तो दैट इज फैक्टोरियल एन तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल एन का मीनिंग क्या होता है चलिए अब हम थोड़ा सा एक और डिस्कस कर लेते हैं फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल में तो देखो वन कितना रहेगा तो ही रहेगा फैक्टोरियल वन कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे वन तक तो वन तो ऑलरेडी आ चुका है तो वन से छोटा कोई नंबर है नहीं फैक्टोरियल वन इक्वल टू हो जाएगा वन उसी तरीके से फैक्टोरियल टू कितना टू इंटू वन फैक्ट्रियल थ्री थ्री इंटू टू इंटू वन तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो अच्छा एक क्वेश्चन आता है आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल जीरो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए ये गलत है फैक्टोरियल फैक्टोरियलो की जो वैल्यू होती है इक्वल टू वन ध्यान रखिए फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होती है दैट इज वन ओके चलिए प्रूव करके देखते हैं यहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इन फैक्टोरियल एन माइनस वन तो आप कह सकते हो

वैलिड होना चाहिए तो दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो वन माइनस वन दट इजोर जीरो की जो वैल्यू होती है कि जीरो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती करते हैं तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है जीरो नहीं होती है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है कहाँ पे आप फैक्टोरियल यूज करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको ये फैक्टोरियल पढ़ना है फैक्टोरियल के बारे में समझना है जैसे कि अगर आपके पास फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल एम प्लस एन का मतलब आप गलती से ये मत लिख लेना कि फैक्टोरियल एम प्लस फैक्टोरियल एन तो तो कॉमन सेंस वाली बात है जैसे साइन एक्स प्लस वाई को आप साइन एक्स प्लस साइन वाई नहीं लिख सकते तो उसी तरीके फैक्टोल एम प्लस एन अलग चीज हो गई जैसे कि फैक्टोरियल सिक्स प्लस फोर तो दैट इज फैक्टोरियल फैक्ट्रियन तो फैक्ट्रियल को मतलब 10 को आप 6 प्लस 4 ना लिख सकते हो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? ये गलत है ये नहीं होता है इसको आप नहीं लिख सकते हो तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से फैक्टोरियल एम इन टू एन या फैक्टोरियल एम माइनस एन तो फैक्टोरियल एम माइनस एन इक्वल टू फैक्टोरियल एम माइनस फैक्टोरियल एन नहीं लिख सकते आप उसी फैक्टोरियल एम इन टू एन को आप फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल एन नहीं लिख सकते हो तो तो आई होप कि कि आपको आपको चीज समझ में में आ गई होगी फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है के बारे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए फैक्टोरियल से रिलेटेड जैसे कि ये आप क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल एन माइनस वन को फैक्टोरियल एन बाई एन यानी कि फैक्टोरियल एन को आप एन इंटू फैक्टोअल एन माइनस वन लिख सकते हो इतना ही नहीं फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू आपको याद रखनी है वन होती है इतना ही नहीं देखिए आप एन को जहां तक एक्सपेंड करना चाहते हो वहां तक कर सकते हो जैसे फैक्टोरियल एन को आप एन इंटू एन माइनस वन और इससे आगे जो होगा दैट इज एन माइनस टू का फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल एन इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू या फिर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू फैक्ट्रियल एन माइनस थ्री तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है डिपेंडेंट होता है कि आपको वैल्यू क्या मिलने की इस चीज की कि जो फैक्टोरियल है किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो वैल्यूज पुट कर सकते हो तो आपको पता है कि किस तरीके से उसको एक्सपेंड करना है तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट्स की तो अरेंजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं किस किस चीज का कर सकते हैं देखिए अरेंजमेंट हम लोगों को कहां कहां पे करना होता है सपोज आपको कोई वर्ड लिखना है राइट right? तो वर्ड लिखने के लिए हम लेटर्स यूज करते हैं लेटर्स यूज करते हैं वहां पे आप अरेंजमेंट यूज करते हैं राइट right? तो वहां पे तो काम हो जाता है परमिटेशन का लेकिन कहीं पे रिपीटेशन अलाउड होता है जैसे कि आप कोई नंबर लिखते हो तो मान लेते हैं कोई नंबर लिखते हैं मैं एक फाइव डिजिट का नंबर लिख रहा हूँ राइट right? मैं एक फाइव डिजिट का नंबर लिख रहा हूँ तो फाइव डिजिट नंबर में एक दो तीन चार पांच ये पांच डिजिट्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे पांच डिजिट्स होते हैं अब फाइव डिजिट नंबर्स में यहां पे मुझे पता है यहां पे मैं यूज कर सकता हूं केवल नाइन डिजिट्स राइट यहां पे कितने डिजिट्स यूज कर सकता हूं नाइन क्यों क्योंकि मैं जीरो नहीं यूज कर सकता हूं यहां पे क्यों यूज नहीं कर सकता हूं जीरो क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर मैं यहां पे जीरो पुट करूंगा तो ये फिर फोर डिजिट नंबर बन जाएगा भाई आगे से जीरो पुट करके कोई फायदा थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी जीरो पुट कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों तो काउंट तो तो ही नहीं होगा तो फिर तो वो फोर डिजिट नंबर बन जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन है केवल नाइन जबकि इसके बाद में जीरो से लेकर नाइन तक कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूं तो यहां पे मैं टेन डिजिट्स यूज कर सकता हूं यहां पे मैं टेन डिजिट्स यहाँ पे मैं टेन डिजिट्स यूज कर सकता हूं यहां पे मैं टेन डिजिट्स यूज कर सकता हूं तो अगर आपको पूछा जाए कि आप फाइव तो डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हो तो आप फाइव डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हो दैट इज नाइन थाउजेंड नाइन जीरो 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 तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो कि हां मुझे फाइव डिजिट्स के कितने नंबर्स मिल जाएंगे नंबर मिल जाएंगे उसी तरीके से देखिए आपने प्रोबेबिलिटी में एक चीज पढ़ी होगी राइट कि हम जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स आते हैं तो वो भी क्या अरेंजमेंट ही तो है कैसे करते हैं यहां पे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना होता है मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है नौ डिजिट्स हैं नौ के साथ दस डिजिट्स में से कोई भी आ सकती है तो दस डिजिट्स के दस ऑप्शंस तो इंटू टेन करना पड़ेगा इंटू टेन इंटू टेन एंड सो ऑन तो अगर आप डाइस थ्रो करते हो मान लेते हैं एक डाइस थ्रो करते हो तो आपको पता है आपके पास सिक्स होते हैं सिक्स टोटल आउटकम सिक्स होते हैं सैंपल स्पेस सिक्स उसी तरीके से अगर दो डाइस थ्रो करते हो तो सिक्स दूसरी डाई में भी होंगे तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास सिक्स इंटू सिक्स यानी कि सिक्स का स्क्वायर अगर तीन होते हैं तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स यानी कि सिक्स का क्यूब अगर आप चार डाई थ्रो करते हो तो सिक्स डेस्ट पावर फोर इतने आपके पास टोटल आउटकम्स हो जाते हैं तो ये बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए ये परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम पहले पढ़ रहे हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन

अगर तीन करोगे तो टू इंटू टू इंटू टू तो, तो इसीलिए अगर एक कॉइन टॉस करते हो तो दो ऑप्शन दो आउटकम्स हो सकते हैं टोटल दो कॉइन करते हो तो टू का स्क्वायर तीन करते हैं तो टू का क्यूब जनरली आप गलती क्या करते हो एक कॉइन टॉस किया तो टू दो कॉइन किए तो फोर थ्री किए तो सिक्स वो गलत हो जाता है प्लस नहीं करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टू फिर टू इंटू टू फिर टू इंटू टू इंटू टू एंड सो ऑन अगर चार करते हो तो रेस्ट फॉर फोर पांच करते हो तो रेस्ट फॉर फाइव तो जस्ट आपको ये देखना कि एक कॉइन में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हर कॉइन के लिए हर बार के लिए मीन्स मेरे पास दो कॉइन्स है तो दोनों में किसी में भी हेड भी आ सकता है दोनों में टेल भी आ सकता है ऐसा नहीं है कि एक में हेड आ गया तो दूसरे में नहीं आ सकता या एक में टेल आ गया तो दूसरे में नहीं आ सकता उसी तरीके से सेम डाइस में भी होता है डाइस में आपको पता है डाइस में वन टू सिक्स नंबर्स होते हैं तो डाई में अगर वन टू सिक्स नंबर आपके पास एक डाई में है तो आपको पता है कि अगर भाई एक डाई में वन आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक डाई में आ गया तो दूसरे में नहीं आ सकता दूसरे में भी कुछ भी आ सकता है तो हर डाई के लिए सिक्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहां पे वो चीज परमिटेशन में नहीं होती है जब हम बाद में पढ़ेंगे जब हम दूसरे तरीके से अरेंजमेंट करते हैं तो वो वहां पर अवेलेबल नहीं होती है उस तरीके से हम वहां पर नहीं पढ़ते हैं तो इसीलिए ये चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि, कि किस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऑप्शन कैसे अवेलेबल होते हैं मल्टीप्लाई अच्छा एक और प्रॉब्लम होती है जनरली बच्चे कहीं एडिशन करते हैं कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे एंड जहां पे भी आता है ना एंड टर्म जहां पे भी आती है एंड टर्म जहां पे भी आएगी आपको यूज करना है मल्टीप्लाई okay? वहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे और और जहां पे भी आप यूज करते हो और वाली कंडीशन जहां पे भी बनती है वहां पे भी आप करोगे एड राइट right? चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को ठीक है जैसे कि मैंने आपको डाई बताया तो पहले डाई में मेरे पास सिक्स ऑप्शन थे तो पहली डाई में भी है एंड सेकेंड डाई दोनों थ्रो करनी है ना तो थर्ड डाई है तो थर्ड को भी थ्रो करना है तीन डाई से मेरे पास तो फर्स्ट डाई के छह नंबर एंड सात में क्योंकि देखिए तीनों डाई का देखना है ना आपको कॉम्बिनेशन तो जितने भी नंबर आएंगे कि कितने ऑप्शन अवेलेबल है तो फर्स्ट डाई देन एंड सेकेंड डाई ऐसा नहीं है ना कि पहले में वन आ गया या फिर दूसरे में वन आए और वाली कंडीशन तो नहीं होती है पहले में भी आएगा दूसरे में भी आएगा और तीसरे में भी आएगा तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तो तीन जो नंबर हैं तीनों में जो नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दूसरी कंडीशन मैंने बताई और की ठीक है और वाली कंडीशन कहां पर बनती है तो देखिए और वाली कंडीशन बनती है कि जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं ठीक है मेरे पास तीन नंबर्स हैं यहां पे मैं आपको बोल देता हूं आपके पास तीन डिजिट हैं वन टू थ्री या थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं ठीक है ना वन टू थ्री फोर चलो ये चार डिजिट्स हैं राइट इन चार डिजिट से आपको बनाना है कितने डिजिट का नंबर इन चार डिजिट से बनाना है आपको एक थ्री डिजिट नंबर बनाना, बनाना, बनाना है क्या बनाना है थ्री डिजिट इवन नंबर बनाना है क्या बनाना है थ्री डिजिट इवन नंबर तो थ्री डिजिट इवन नंबर के लिए देखिए एक दो तीन यहां पे देखिए कंडीशंस किस तरीके से चेंज हो जाती हैं तो जब आप कहीं से भी शुरू करो अब देखिए आपको थ्री डिजिट इवन नंबर बनाना है ध्यान रखिए थ्री नंबर बनाना है इनकी हेल्प से तो देखिए मेरे पास डिजिट्स अवेलेबल है एंड फोर चार डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है तो इसका इसका मतलब यहां यहां पे पे मैं चार में पे चार में में से से कोई कोई भी 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 नंबर रख रख सकता सकता हूं हूं और यहां पे मैं दो ही रख सकता हूं तो फोर इंटू फोर इंटू टू अब यहां पे दो ही क्यों रख सकता हूं क्योंकि यहां पे टू या फोर में से अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो या तो यहां पे टू आएगा या फिर फोर आएगा इन दो में से कोई भी आ सकता है बस वन और थ्री तो आ ही नहीं सकते हैं अदरवाइज वो तो ऑड तो नंबर हो जाएगा तो ये तो हो गया किसकी कंडीशन ये इवन नंबर की कंडीशन हो गई ठीक है उसी तरीके से अगर मेरे पास अब सपोज करो अगर मेरे पास ये तो यहाँ पे तो एंड वाली कंडीशन हो गई अब यहां पे मेरे पास वन टू थ्री फोर की जगह पांच डिजिट होते मान लेते हैं जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर ये मेरे पास पांच डिजिट्स नंबर होते हैं तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास दो प्रॉब्लम हो जाते हैं मुझे अगेन थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं और मेरे पास पांच डिजिट हैं तो यहां पर मुझे ऑलरेडी पता है प्रॉब्लम क्या है कि या तो जीरो जो है क्योंकि जीरो मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता हूं तो यहां पर मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है वन टू थ्री फोर चार ही डिजिट्स अवेलेबल हैं राइट right? यहां पे मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं वन टू थ्री फोर फाइव यहां से मैं फाइव डिजिट्स में से कोई भी यूज कर सकता हूं और यहां पे मेरे पास कितने हैं तो यहां पे थ्री हो जाएगा तो फोर इंटू फाइव इंटू थ्री आपका आंसर हो जाएगा अब हम बात करते हैं और वाली कंडीशंस की तो देखो और वाली कंडीशन में क्या होता है देखो जहां पे मैंने क्या बोला और होता है सपोज आपको बोला गया कि हमारे पास फाइव पांच डिजिट नंबर है ये पांच डिजिट्स हैं और मुझे इससे एक थ्री डिजिट अगेन थ्री डिजिट नंबर बनाना है थ्री डिजिट नंबर विच एंड्स विद, विद वन और टू देखिए यहां पर तो और आ गया ना या तो वन उसके एंड में या तो वन आएगा या तो टू आएगा तो तब वन वाली डिजिट जो जिसके एंड में वन आता है तो देखिए मेरे पास अगेन वन टू थ्री ठीक है ना तीन डिजिट हैं तो देखिए वन जीरो वन टू चलो चार डिजिट ही यूज करते हैं ताकि आपके लिए कैलकुलेशन कम रहे तो वन टू थ्री फोर चार डिजिट हैं आपके पास ठीक है ना और आपको बोला गया है कि वन टू ठीक है ना आना चाहिए एंड में तो या तो वन आएगा एंड में ओके okay? आएगा तो देखिए अगर एंड में वन आता है तो हमारे पास यहां पे चार ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे चार ऑप्शन फोर इंटू फोर इंटू वन और या तो टू आएगा तो टू आएगा तो फोर इंटू फोर इंटू अगेन वन यहां पे टू मत लिख लेना क्योंकि टू भी तो एक ही ऑप्शन है तो फोर इंटू फोर इंटू वन फोर इंटू फोर इंटू वन तो दोनों को क्या कर लो आप आपस में एड कर लो तो यहाँ पे आप एड कर सकते हो जरूरी नहीं कि यहां पे ऐड ही करना आप दूसरे तरीके से और वाले टर्म्स में भी कर सकते हो एंड वाले टर्म्स में भी फोर इंटू फोर इंटू तो यहाँ पे बोला या तो वन आएगा या तो टू आएगा दोनों में से दो नंबर में से कोई भी आ सकता है तो टू भी आ सकता है तो इंटू टू डायरेक्ट कर लो तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कहां पे ऐड करना है कहां पे मल्टीप्लाई करना है आपको ये चीज पता होनी चाहिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों की अदरवाइज परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो शायद इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इससे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है मैथ्स में तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है परमिटेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है मीनिंग क्या है और कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है फैक्ट्रियल जीरो की वैल्यू फैक्ट्रल एन का मीनिंग ये गलतियां नहीं करनी है और साथ में जो फैक्ट्रियल एन को आप एन इंटू फैक्ट्रुअल एन माइनस वन लिख सकते हो तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं और किसमें हो सकती हैं जैसे कि मैंने बताया रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन तो देखिए रिपीटिशन जब अलाउड होता है चाहे वो डिजिट्स हैं अल्फाबेट्स हैं कोई भी चीज़ है ऑब्जेक्ट को जब रिपिटन अलाउड होता है तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको पांच ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जैसे मैंने आपको बोला फाइव डिजिट नंबर है तो इसका मतलब पांच ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आपको पांच जगह पे फिलिंग करनी है नंबर्स की तो आपको यह देखना है कि भाई अगर रिपीटेशन अलाउड है रिपिटेशन अलाउड है मतलब क्या हुआ कि आप एक डिजिट को रिपीट कर सकते हो दोबारा से यूज कर सकते हो तो टोटल मेरे पास दस डिजिट है हर जगह पे मैं दस दस डिजिट यूज कर सकता हूँ एक्सेप्ट फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट पोजिशन पे ये कॉमन सेंस है दस नहीं कर सकता हूं केवल नौ करूंगा क्योंकि अगर मुझे डिजिट नंबर बनाना है तो यहां पे जीरो नहीं आ सकता अदरवाइज वो फोर डिजिट नंबर हो जाएगा उसके बाद जीरो आ सकते हैं तब भी वो फाइव डिजिट ही रहेगा लेकिन शुरू में आपके पास नौ ऑप्शन है ऑप्शन है लेकिन अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है तो एक और कंडीशन आती है जैसे इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो इसमें देखिए क्या होता है तो देखिए यही वन टू थ्री फोर से आपको एक थ्री डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देखिए एक दो तीन तीन डिजिट का नंबर बनाना है तो देखिए यहां पे किस तरीके से आप फिल करोगे देखो वन टू थ्री फोर कहीं से फिल कर लो पहली पोजिशन में जब आप नंबर पुट करोगे तो आपके पास चार ऑप्शन है चार में से वन टू थ्री फोर चारों में से कोई भी डिजिट आप पुट कर सकते हो अब यहां पे आपने जो डिजिट पुट कर दी ना अब आप दूसरी पोजीशन पे वो डिजिट पुट नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब एक डिजिट अब चारों के चारों तो एक जगह पे पुट करोगे नहीं एक ही करोगे ना यहाँ पे तो चारों में से एक तो आपने कर दी जो एक आपने यहां पे कर दी वो आप दूसरी जगह पे नहीं कर सकते इसका मतलब एक ऑप्शन अब आपके पास कम हो गया जो आपने यहां पे प्लेस कर दिया तो अब दूसरी पोजीशन के लिए आपके पास ऑप्शंस केवल कितने बचेंगे तीन ही बचेंगे और एक पोर्शन यहां पे भी फिल हो गई तो एक डिजिट यहां पे एक डिजिट यहां पे दो डिजिट जो हो गई क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दोबारा यूज कर नहीं सकते हैं। अब तीसरी पोर्शन के लिए बची केवल दो ही डिजिट तो क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो आप ऑप्शन कम करते जाइए कि हाँ यहाँ पे फोर है यहाँ पे फाइव है यहाँ पे थ्री है अब यहाँ पे अगर जीरो भी होता तो अगेन यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है अगेन थ्री डिजिट नंबर में बना रहा हूं इनसे और रिपीटेशन अलाउड नहीं है इस बार भी तो देखिए यहाँ पे देखिए वन टू थ्री मैं तीन डिजिट का ही नंबर बना रहा हूँ फोर फाइव सिक्स सेवन एट डिजिट कितना भी हो सकता है तो आप उस हिसाब से कम करते थे डिजिट देखिए सबसे पहले यहां पे क्या आएगा जीरो यहां पे नहीं आ सकता आपको ऑलरेडी पता है तो ऑप्शन कितने आपके पास पहले पोर्शन पे वन टू थ्री फोर चार ऑप्शन है दूसरे ऑप्शन में जब आप यहां पर पुट करोगे ना तो यहां पे देखिए टोटल पांच डिजिट से आपको ऑलरेडी पता है यहां पे आपको बोला गया जीरो वन टू थ्री फोर पांच डिजिट्स में से आपने एक डिजिट यहां पे पुट कर दी हाँ ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होगी क्योंकि जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास जीरो का ऑप्शन नहीं है यहां पे रखने के लिए यहां पे हमारे पास केवल चार ही ऑप्शंस रहेंगे इस चीज का ध्यान रखना जहां पे लिमिटेशंस होती है मतलब जहां पे कंडीशंस होती है आप ये मत सोचना कि यहां से फिलिंग करना शुरू कर दू कि यहां पे मेरे पास पांच ऑप्शन हैं यहां पे चार ऑप्शन हैं नहीं इस तरफ से नहीं करना है या इस तरफ से नहीं करना है किसी एक तरफ से नहीं करना है आपको किस तरफ से करना है आपको उस तरफ से करना है जिस तरफ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मतलब लिमिटेड ऑप्शन है कंडीशन रखी हुई है जैसे कि यहां पर मैं जीरो पुट नहीं कर सकता हूं तो यहां से शुरू कीजिए तो यहां पर कितने ऑप्शन बोला मैंने चार ऑप्शन ही हमारे पास होंगे क्यों होंगे

तो इसलिए दूसरी में चार हो गए अब दो ऑप्शन कम हो गए तो अब कितने ऑप्शन रह गए तीसरी के लिए थ्री तो कितने हो हो जाएंगे फोर इंटु फोर इंटु थ्री। तो इतने आप बना सकते विदाउट अगर रिपीटिशन आपके लिए अलाउड नहीं है तो तो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को चाहे वो रिपीटिशन अलाउड है डिजिट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है जीरो की क्या इंपॉर्टेंस है जीरो कहां पे रखना है इसकी इसका आपको पता चल गया होगा तो एक और चीज आपको आती है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया रिपिटिशन अलाउड नहीं है तो रिपिटिशन देखिए रिपिटिशन अगर अलाउड नहीं है सेम और मेरे पास बनाना है एक इवन नंबर कितने इवन नंबर्स बना सकता हूं तो ये बहुत अच्छा केस है तो इस कंडीशन के लिए मैं क्या करूंगा देखिए इवन नंबर होने के लिए मुझे पता है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए या तो जीरो होनी चाहिए या तो टू होनी चाहिए या तो फोर होनी चाहिए अब जीरो टू या फोर में से कोई नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट तो इसका मतलब लास्ट के लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है थ्री राइट right. ये बात समझ में आ गई होगी आपको ओके okay. दूसरा केस क्या है दूसरा इससे पहले जो ऑप्शन है मेरे पास क्योंकि तीन में से एक डिजिट तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो चार ही डिजिट मेरे पास बचेंगे इन पांच में से तो चार यहां पे रख दूंगा और बाकी बचेंगी तीन ओके okay? तो ये मैंने आपको करके बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हो लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जीरो आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं वो सारे नंबर्स की बात करूंगा देखो क्योंकि देखो मैंने क्या कहा यहाँ पे जीरो हो सकता है यहाँ पे क्या बोला मैंने इन तीन में से कोई भी यहां पे आ सकता है इन चार में से कोई भी बाकी के बच्चे चार में से कोई भी आ सकता है जो तीन बच गए उनमें से कोई भी यहां पे आ सकता है तो यहां पे जीरो हो सकता है अब यहां पे अगर जीरो होगा तो फिर थ्री डिजिट नंबर तो रहेगा ही नहीं हो तो टू डिजिट नंबर बन जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा उन सारे नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा जिनमें सबसे पहले जीरो आता है तो क्या करूंगा मैं उन नंबर की बात करूंगा जिनमें जीरो आता है तो जीरो आता है सबसे पहले तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा जीरो का राइट right? अब बच गए मेरे पास दो तो पहले मैं किसको फिल करूंगा लास्ट वाले को क्योंकि जीरो तो यहां आ चुका है तो मेरे पास चार ही डिजिट बचे चार में से मेरे पास यहां पे केवल दो ऑप्शन अवेलेबल है और दो मैंने यहां पे यूज कर दिए ठीक है ना तो एक यहां पे यूज कर दे एक यहां पे यूज कर दिया तो अब केवल कितने ऑप्शंस बचेंगे मेरे पास थ्री तो थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स और ये कितना हो गया फोर इंटू थ्री ट्वेल्व

यहां पे क्या कहा मैंने कि जिनके शुरू में जीरो आता है उसको माइनस कर दो थर्टी सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू थर्टी तो ये भी एक तरीका है कि भाई आप सारे नंबर्स निकालो सारे अरेंजमेंट्स निकालो और मुझे पता है कि मुझे थ्री डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो जिनके सबसे शुरू में जीरो आएगा वो थ्री डिजिट नंबर्स नहीं होंगे तो उनको हटाना पड़ेगा क्योंकि जब आप परमिटेशन करते हो जब आप अरेंजमेंट करते हो तो अरेंजमेंट में तो मैंने जीरो देखा नहीं कि यहां पे आया या यहाँ पे आया यहां पे आया जीरो तो कहीं पे भी आ सकता था अब जिनमें यहाँ पे जीरो आएगा वो तो थ्री डिजिट नंबर कहलाएंगे नहीं लेकिन इस कैलकुलेशन में तो आपके सारे के सारे

Thank you very much.